यदि आप पशुपालक हैं और आपके पास 5 मवेशी हैं, तो आपको मिल सकता है 9 लाख रुपए का लोन। आज इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की गोपालक योजना के बारे में। किसी भी लोन या सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए 5 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, योजना का पूरा नाम क्या है, सही नाम क्या है, और दूसरी बात, कितना लोन या सब्सिडी मिलेगा या मिलेगी इस योजना में। तीसरी बात, कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि पात्रता क्या है। और चौथी बात, इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। और पांचवी बात, आवेदन करने का सही तरीका क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी गोपालक योजना की। यूपी गोपालक योजना की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में हुई है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए और उन पशुपालकों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के लिए जो अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की गोपालक योजना है क्या चीज। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को गोपालक योजना के माध्यम से 9 लाख रुपए का लोन मुहैया करवाने की स्कीम शुरू की है। गाय और भैंस पालने वाले पशुपालकों के पास कम से कम 5 पशु हैं तो उनको भी 9 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। यूपी गोपालक योजना के तहत 10 से 20 गाय रखने वाले पशुपालक हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर उनके पास 10 से 20 गाय हैं तो जो पशुपालक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होता है। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्मिंग के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उनको भी ये 9 लाख रुपए का लोन मुहैया करवाया जाता है और बैंक के माध्यम से उनको ये लोन मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपी गोपालक योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी कि जब आप ये लोन लेने जाएंगे तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं वो यूपी के रहने वाले हैं तो उनको ये लोन मिल जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है उनको ये स्कीम का फायदा मिलेगा, उनको 9 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। और जो पशुपालक है उनके पास कम से कम 5 पशु होने चाहिए और ये पशु दूध देने वाले होने चाहिए तो उनको ये लोन मिलेगा। और जिन किसानों के पास या जिन पशुपालकों के पास 5 से कम पशु हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आवेदक की जो सालाना आय है वो कम से कम 1 लाख रुपए से कम हो, 1 लाख से ज़्यादा ना हो। और इसी तरह से गोपालक योजना के तहत पशु मेले से खरीदे जाएंगे, यानी कि जो लोन आपको मिलेगा उससे जो पैसा मिलेगा उसके ज़रिए आप पशु मेले से अपने लिए पशु खरीद सकते हैं, मवेशी खरीद सकते हैं ताकि आपका डेयरी फार्म शुरू हो पाए। और जिन पशुपालकों के पास पहले से पशु हैं जो दूध देने वाले हैं तो उनको ये लोन मिल जाएगा, 9 लाख रुपए मिल जाएंगे। इससे वो अपनी डेयरी का विस्तार कर सकते हैं, वो चाहे तो नया मवेशी खरीद सकते हैं, चाहे तो अपने पशुओं के लिए शेड बना सकते हैं या कोई दूसरा जो डेयरी से जुड़ा प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों पात्रता की। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको दस्तावेज कौन से चाहिए होंगे। आपको सबसे पहले आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा आपका पहचान पत्र है वो चाहिए होगा, मतदाता पहचान पत्र भी इसमें हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसी तरह से निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और आय प्रमाण पत्र चाहिए जिससे साबित हो कि आपकी आय 1 लाख रुपये से कम है। आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी और आपकी बैंक खाते की डिटेल्स है वो चाहिए होगी। तो दोस्तों, यूपी गोपालक योजना है उसमें आवेदन करने का तरीका क्या है ये भी आप जान लीजिए। जो युवा या पशुपालक इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उनको अपने नज़दीकी चिकित्सा अधिकारी के पास जाना होगा, यानी कि जो आपका पशु चिकित्सा अधिकारी है उसके पास जाना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म वहाँ से मिलेगा, उस फॉर्म को ले लेना है और आवेदन फॉर्म में आपको पूरी जानकारी भरनी है अपने बारे में, जो जानकारी वहाँ पर तमाम पूछी गई है वो। और इसके साथ ही जब जानकारी आप भर देंगे फॉर्म में, उसके बाद अपने दस्तावेज़ हैं वो आपको उसमें लगाने होंगे। और आवेदन फॉर्म के साथ जब आप अपने दस्तावेज अटैच कर देंगे उसके बाद आप अपने फॉर्म को उसी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास वापस जमा करवा दीजिए जिनसे आपने ये फॉर्म लिया है। और जहाँ से फॉर्म आपने लिया उसके बाद आपका जब फॉर्म जमा हो जाएगा, इसके बाद आपका फॉर्म है वो पशु चिकित्सा अधिकारी जिला स्तर पर है उनके पास जाएगा
और उसके बाद आवेदन फॉर्म को आप पशु निदेशालय में भेज सकते हैं, वहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद एक चयन समिति है जिसके माध्यम से आपके आवेदन पर विचार होगा, उस पर तमाम जानकारी ली जाएगी। उसके बाद इस कमेटी में जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं या नोडल ऑफिसर हैं, वो आपके आवेदन पर विचार करेंगे कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। और जब आप सही तरीके से आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 10 पशुओं के हिसाब से 1.5 लाख की लागत से एक पशुशाला बनानी होती है, इसके बाद ही आपको लोन मिल जाता है। और दोस्तों, इस लोन स्कीम के तहत बेरोजगार युवा अपना खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि 9 लाख रुपए जब आपको मिलेंगे तो आप अपने लिए पशु खरीद सकते हैं और अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अपने नजदीक के चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाकर आप फॉर्म लेकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको 9 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस स्कीम का फायदा मिले, वो भी इसके जरिए अपने लिए लोन ले सके, अपने लिए रोजगार हासिल कर सके। और दोस्तों, आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर 1000 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो बिजनेस से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, पर्सनल फाइनेंस से और खेती बाड़ी से जुड़े हैं। अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम ऐप पर एक बेहतरीन कोर्स देखने को मिलेगा। इस कोर्स के जरिए आप कैसे डेयरी फार्म शुरू किया जाता है और उसके लिए लोन सब्सिडी कितनी है, कहां से पैसा आएगा, पशुओं को कैसे रखा जाता है, दूध को कैसे मार्केट में बेचा जाता है, ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। और डेयरी फार्म के जरिए आप सालाना 1 करोड़ रुपये का कैसे टर्न ओवर कर सकते हैं, ये उस कोर्स में आप सीख पाएंगे। उसके अलावा जब आप बिजनेस करने की बात करते हैं तो तमाम तरह के बिजनेस है उसके कोर्सेज आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेंगे, और खेतीबाड़ी के कोर्सेज आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेंगे, जिनसे आप ये सीख पाएंगे कि आप 1 एकड़ में 5 लाख रुपए सालाना कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पर्सनल फिनांस से जुड़े कोर्सेज देखना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड को कैसे लिया जाता है, क्रेडिट कार्ड कैसे आप ले सकते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, होम लोन आपको कैसे मिलेगा, कार लोन कैसे मिलेगा, इसके अलावा आप लोन कैसे सही तरीके से चुका सकते हैं और सही तरीका क्या है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, ये तमाम चीज़ आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप पर। तो फ्रीडम ऐप पर वो तमाम कोर्सेज आपको मिलेंगे जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।